हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ कपिल जोशी एंड आई एम डेप्यूटी हेड ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट इन रेजनेंस मैं आज के इस वीडियो में आपको बेसिकली कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो अभी सरप्राइजिंगली बच्चों के साथ हुआ है जई मेन 2024 सेशन वन जब ऑर्गेनाइज़ किया गया तो इसके पहले एन टी ए जेई मेन ट्वेंटी सेशन वन जई मेन ट्वेंटी के सिलेबस में कुछ बदलाव किया था बदलाव बहुत ड्रास्टिक नहीं था हालांकि उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया था सिलेबस के अंदर सिलेबस में से कुछ पोर्शन कट ही किया था पूरा एक चैप्टर जो मैथमेटिकल रीजनिंग था ये एक ऐसा चैप्टर था जब पूरा उन्होंने सिलेबस में से रिमूव किया था लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे रिमूव नहीं किए लेकिन उनमें से बीच बीच में से सब टॉपिक्स उन्होंने रिमूव किए थे तो मेरा वीडियो यहाँ इसी बात पर फोकस करेगा कि जेई ने जेई एन टी ने सिलेबस रिमूव करने के बाद भी जो चैप्टर में से जो सब टॉपिक रिमूव किए उन सब टॉपिक में से भी रिमूव करने के बाद भी उन्होंने जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के सेशन वन में इन सवालों को पूछा है लेकिन हमें पहले से पता था जब हमने सिलेबस देखा था तो सिलेबस देख ही हमें पता लगा था कि ये जो रिमूव टॉपिक हैं इनमें से जेई मेन या एन सवाल जरूर पूछेगा ये सवाल जरूर आएंगे जेई मेन के अंदर इसलिए हमने हमारे बच्चों को एडवांटेज पर रखा हमारे बच्चे एडवांटेज पर रहे हमने उन रिमूव सब टॉपिक में से भी बच्चों की सवालों की प्रैक्टिस करवाई ताकि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ बच्चे बड़े अनर्जेटेड रहे और मोटिवेटेड रहे ट्वेंटी फोर्थ नवंबर को हमारे जो ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे थे उनका जब सिलेबस पूरा हुआ ट्वेंटी फोर्थ नंबर को तो ट्वेंटी फोर्थ नंबर को सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद हमने छह दिसंबर से एक छह दिसंबर से बीस जनवरी तक उनके करीब तीस टेस्ट कंडक्ट करवाए और ये सारे के सारे तीस टेस्ट जेई मेन पैटर्न पर बेस्ड थे मतलब हर पेपर के अंदर तीस सवाल थे जैसा सवाल जेई मेन में, में पूछा जाता जैसा पेपर जेई मेन में, में पूछा जाता है उस तरह के पेपर उसी थीम पर हमने सारे पेपर तीस पेपर ही ऑर्गेनाइज करवाए उन बच्चों के लिए कंडक्ट करवाए और इन सारे तीस पेपर में हमने हर रिमोट टॉपिक में से जो सवाल बन सकता था वो सवाल उन बच्चों के सामने पेश किया पहले बच्चों को लगा भी सही कि भाई ये सिलेबस रिमूव हो गया आप इस सवालों को क्यों पूछ रहे हैं बच्चों को समझाया कि हमने इस पर सवाल आ सकते हैं और बाद में बच्चों ने एडवांटेज फील किया बच्चे मोटिवेटेड रहे और इन सब बातों को देख कर बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आया और बच्चे काफ़ी खुश रहे रेजेन्स हमेशा बच्चों के लिए इनोवेशन करता रहता है बच्चों के हितों का ध्यान रखता है और मैं कह सकता हूँ रेजनेंस जैसा कोई नहीं आइए मैं वन बाई वन आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो रिमूव सब टॉपिक जो टॉपिक रिमूव कर दिए थे और फिर भी उन रिमूव टॉपिक में से सवाल पूछे गए उन सवालों को वन वनबर में लेके आता हूँ मैं तो मैं आपके सामने उन्हीं क्वेश्चनस को यह हाईलाइट करूँगा जो भले ही उन्होंने सब टॉपिक रिमूव कर दिया हो लेकिन फिर भी उस सब टॉपिक में से सवाल उन्होंने पूछा है जेई मेन सेशन वन जो जनवरी फरवरी में हुआ था मैं यहाँ पर सिलेबस भी लिखूंगा बेसिकली जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये सिलेबस जेई मेन 2023 का है इसमें से जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिन्होंने जेई मेन 2024 के सिलेबस में से रिमूव किया जो टॉपिक जो हाईलाइट हो रहा है ये उन्होंने उस सिलेबस में से रिमूव किया ना और इन्हीं सब टॉपिक जो उनको जिन्होंने उनको रिमूव किया इन्हीं सब टॉपिक पर उन्होंने कुछ सवाल पूछे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ ना जैसे अगर हम सिक्वेंस एंड सीरीज का सिलेबस देखें तो ये पूरा सिलेबस ट्वेंटी का था लेकिन ये कुछ सब टॉपिक उन्होंने रिमूव किए जैसे सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज एंड अर्थमेटिक जोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लियर लिखा हुआ है कि ए को उन्होंने रिमूव कर दिया सिग्मा एन सिगमान स्क्वायर सिग्मा सिगमाइन क्यूब और स्पेशल सीरीज का सम वाला जो पोर्शन था इसको रिमूव किया गया लेकिन फिर भी इसमें से उन्होंने सवाल पूछे ना या ध्यान से देखते हैं ये शिफ्ट वन सत्ताईस जनवरी का जो शिफ्ट वन था उसका जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन था ये ए जी बी पर बेस्ड था और इसमें ए जी बी का कंसेप्ट लगाने के बारे ही आप निकाल सकते हैं जब उन्होंने सिलेबस में से रिमूव किया है तो मेरे हिसाब से उनको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था वो अलग बात है कि हम ये लॉजिक दे सकते हैं कि ए जी बी का सम निकालने के लिए हम बेसिकली वही कंसेप्ट लगाते हैं जो हम जी पी का सम ऑफ टर्म्स डिराइव करने के लिए जो कंसेप्ट लगाते हैं उसी कंसेप्ट का यूज करके ए का सम निकाला जा सकता है लेकिन मेरे हिसाब से खुशी हमें तब होती जब वो ए रिमूव नहीं करते और इस तरह के वो उस सब टॉपिक को रिमूव नहीं करते और उसके बाद अगर ये सवाल पूछते तो ज्यादा जस्टिफाई होता बच्चों के साथ लेकिन रिमूव करने के बाद अगर आप ए का सवाल पूछ रहे हो तो आई थिंक मैं मानूंगा कि दिस इज द क्वेश्चन विच दे आर्स फ्रॉम द रिट सब टॉपिक्स ऑफ सिक्वेंसिस थ्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर आते हैं ऐसा नहीं कि ये शिफ्ट वन सत्ताइस जनवरी की शिफ्ट वन का है नेक्स्ट हम आते हैं सत्ताईस जनवरी को शिफ्ट टू के अंदर अगेन ये टेक्नोमेट्रिक पोर्शन जो टेक्नोमेट्रिक के अंदर भी टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन उन्होंने रिमूव किया था एन में भी रिमूव किया गया है और जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के सिलेबस में भी रिमूव किया गया है लेकिन चलिए इसको मानते हैं सिंपल ये टेक्नोमेट्री का सवाल है और ये टेक्नोमेट्री निकाल के यहाँ से अगर मैं एन कैलकुलेट कर लूंगा नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल लूँगा तो अगेन ये जो है ए का सवाल वापस आ गया दोबारा ए को रिमूव किया था और वापस दोबारा सत्ताईस जनवरी की शिफ्ट में भी उन्होंने ए का सवाल पूछा है ना इन सबके सॉल्यूशन हमने हमारी साइट पर अपलोड कर रखे हैं हमने वीडियो भी बना रखे हैं आप सॉल्यूशन पूरा डिटेल में देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर से देख सकते हैं हमारे वीडियो लाइक यूट्यूब पर देख सकते हैं वो सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं मैं सिर्फ क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहा हूं जो उन्होंने रिमूव सब टॉपिक में से जेई मेन के अंदर पूछे हैं ना तो दो सवाल ए के आ गए ये मिस्टेन सीरीज के अंदर आ गया क्योंकि मिस्टेन सीरीज उन्होंने रिमूव किया है ना अगर हम दोबारा सिलेबस देखें ध्यान से तो उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर द सम अप टू टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज मतलब ए पी और जी पी को क्लियरली उन्होंने मैंशन कर रखा है ए जी पी को रिमूव कर रखा है सिग्मा एन सिग्मा सिगमान स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब के फॉर्मले रिमूव कर रखे हैं और स्पेशल सीरीज की टर्म का सम उन्होंने रिमूव कर रखा है लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसमें थर्टी थर्टी जनवरी को शिफ्ट वन के अंदर ये जो सवाल पूछा गया था इसमें कहीं ए पी का कंसेप्ट नहीं इसमें मेथड ऑफ़ डिफरेंस लगाना पड़ता है और मेथड ऑफ़ डिफरेंस लगाने के बाद हम जनरल टर्म निकालेंगे और जनरल टर्म निकालने के बाद ही हम जाके इस सम को ए या फोर एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये भी उस रिमोट सब टॉपिक से ही पूछा गया है जो सिक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से जो सब टॉपिक रिमूव किया था उसी में से पूछा गया है नेक्स्ट अगेन हम देखते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नो डाउट लेकिन पहले मैं यहाँ से जनरल टर्म निकालूंगा और जनरल टर्म निकालने के बाद सम निकालूंगा तो इस सम को कैलकुलेट करने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिग्मा एन सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा सिगमा क्यूब के फॉर्मलों की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप रिमूव नहीं करते फिर मैं अगर इनका यूज़ करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो आपने क्लियरली उस पर हाईलाइट किया उसको रिमूव किया और फिर भी हमें इन सवालों में सिग्मा एन सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा सिगमा क्यूब के फॉर्मलों की आवश्यकता पड़ रही है ये भी मैं मानता हूँ इसलिए कि ये रिमूव सब टॉपिक में सही है नेक्स्ट हम आते हैं अगेन दिस इज़ ना तो ये ए पी है ना ये जी पी है इसमें अगेन हम अल्टीमेट तरीका लगाते हैं इसका पहले हमें जनरल टर्म लिखना होगा जनरल टर्म को स्प्लिट करना होगा स्प्लिट करने के बाद हम सम निकालेंगे ना तो ये भी जब उन्होंने स्पेशल सीरीज के सम ऑफ एंड टर्म्स को रिमूव किया है तो ये एक स्पेशल सीरीज की कैटेगरी में आता है आई थिंक तो ये भी रिमोट सब टॉपिक से पूछा हुआ ही सवाल है अकॉर्डिंग टू मी नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेट इंडिकेशन एप्लीकेशन उन्होंने बिल्कुल ये 2023 का सिलेबस है इसमें जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये उन्होंने 2024 जेई मेन कि में से रिमूव करने की कोशिश की है या उसको रिमूव किया गया है उसको सिलेबस में से हटाया था उन्होंने लेकिन अगर हम यहाँ साफ देखेंगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटिकल हम डेफिनेट इंटिकल ना यानी लिमिट ऑफ सम को हम डेफिनेट इंटिकल में कन्वर्ट करके ही निकाल सकते हैं सिंपल लिमिट का प्रोसेस करके इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो ये सवाल भी उन्होंने जो है ये नंबर लिखा हुआ है थर्टियथ जनवरी का शिफ्ट वन का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आया है इसका सोल्यूशन हमने डिटेल्ड सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन या हम थियोरटिकल सोल्यूशन हमने हमारी वेबसाइट पर और वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है वहां से आप देख सकते हैं लेकिन ये भी इस रिमोट सब टॉपिक में से पूछा गया सवाल ही है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरेविटी एप्लीकेशन ऑफ डेरेविटी में रेवल्स एंड लेगरेंजेज मीन वेल्यू थर्म और टेंजन नॉर्मल का कंसेप्ट उन्होंने रिमूव कर रखा है टेंजेंट नॉर्मल उन्होंने कॉनिक में से भी रिमूव किया है और उन्होंने ए में भी रिमूव कर दिया मतलब वो मान के चल रहे हैं टेंजेंट नॉर्मल का सवाल पूछेंगे ही नहीं है ना और ये लेगरेंजेज एंड लोन मीन वेली थर्म का सवाल ये पोर्शन भी उन्होंने डिलीट किया था लेकिन हम ध्यान से देखें ये थर्टी जनवरी को शिफ्ट वन के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर टू था ये बिल्कुल रोल्स फोरम पर बेस्ड सवाल है या तो ये चाह रहे हैं बच्चे से कि हमने रोल्स रिमूव कर दिया लेकिन आप फिर भी अगर हम सवाल डाल रहे हैं तो आप वही चीज सोचें जो रोल्स जो मैथमेटिशियन जो रोल्स थे उन्होंने जो इन्वेंट किया था जो थॉट उनके माइंड में आया था वो थॉट बच्चे के माइंड में आना चाहिए और वो थॉट लाकर बच्चा इस सवाल को कर सके लेकिन क्लियरली ये सवाल रोल्स फोरम पर ही बेस्ड है जो रिमोट सब टॉपिक में से पूछा गया है जई मेन ट्वेंटी सेशन वन जब ऑर्गेनाइज किया गया तो इसके पहले एन टी ए ने जेई मैन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सेशन वन जेई मैन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के सिलेबस में कुछ बदलाव किया था बदलाव बहुत ड्रास्टिक नहीं था हालांकि उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया था सिलेबस के अंदर सिलेबस में से कुछ पोर्शन कट ही किया था पूरा एक चैप्टर जो मैथमेटिकल रीजनिंग था ये एक ऐसा चैप्टर था जब पूरा उन्होंने सिलेबस में से रिमूव किया था लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे रिमूव नहीं किए लेकिन उनमें से बीच बीच में सब टॉपिक्स तो उन्होंने रिमूव किए थे तो मेरा वीडियो यहाँ इसी बात पर फोकस करेगा कि जेई ने जेई एन टी ए ने सिलेबस रिमूव करने के बाद भी जो चैप्टर में से जो सब टॉपिक रिमूव किए उन सब टॉपिक में से भी रिमूव करने के बाद भी उन्होंने जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के सेशन वन में इन सवालों को पूछा है लेकिन हमें पहले से पता था जब हमने सिलेबस देखा था तो सिलेबस देख कर ही हमें पता लगा था कि ये जो रिमूव टॉपिक हैं इनमें से जे मेन या एन टी सवाल ज़रूर पूछेगा ये सवाल जरूर आएंगे जेई मेन के अंदर इसलिए हमने हमारे बच्चों को एडवांटेज पर रखा हमारे बच्चे एडवांटेज पर रहे हमने उन रिमोट सब टॉपिक में से भी बच्चों की सवालों की प्रैक्टिस करवाई ताकि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ बच्चे बड़े अनर्जेटिक रहे और मोटिवेटेड रहे जब ट्वेंटी फोर्थ नवंबर को हमारे जो ट्वेल्थ क्लास के जो बच्चे थे उनका जब सिलेबस पूरा हुआ ट्वेंटी नंबर को तो ट्वेंटी नंबर को सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद हमने छः दिसंबर से दिसंबर से जनवरी तक उनके करीब टेस्ट, कर सारे सारे टेस्ट पूछा में में जाता, में में जाता है उस तरह के पेपर उसी थीम पर हमने सारे पेपर तीस पेपर ऑर्गेनाइज करवाए उन बच्चों के लिए कंडक्ट करवाए और इन सारे तीस पेपर में हमने हर रिमोट टॉपिक में से जो सवाल बन सकता था वो सवाल उन बच्चों के सामने पेश किया पहले बच्चों को लगा भी सही कि भाई ये सिलेबस रिमूव हो गया आप इस सवालों को क्यों पूछ रहे हैं बच्चों को समझाया कि हमने इस पर सवाल आ सकते हैं और बाद में बच्चों ने एडवांटेज फील किया बच्चे मोटिवेटेड रहे और इन सब बातों को देख कर बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आया और बच्चे काफ़ी खुश रहे रेजेनेस हमेशा बच्चों के लिए इनोवेशन करता रहता है बच्चों के हितों का ध्यान रखता है और मैं कह सकता हूँ रेजेनेस जैसा कोई नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन सर्कल और कॉनिक सेक्शन में ध्यान से देखें जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये दो हजार तेईस के जो जेई मेन का आ, पेपर हुआ था या सेशन हुआ था उसके लिए रिमूव किया गया था तो हमने यहाँ देखें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल में भी टेंजेंट कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिमूव किया गया है और कॉनिक के अंदर भी सिंपल कॉनिक में लिखा हुआ है कि सिंपल सेक्शंस ऑफ कॉनिक इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म और यहाँ भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को उन्होंने रिमूव कर रखा है पॉइंट ऑफ कॉन्डिकट को भी रिमूव कर रखा है यानी वो टेंजेंट और नॉर्मल की कहीं बात ही नहीं कर रहे सिलेबस के अंदर लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ये सवाल पूछा गया है सत्ताईस जनवरी को शिफ्ट वन के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें अगर इलिप्स की किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है उस कॉर्ड की लेंथ के बारे में पूछा है ना इस कॉर्ड की लेंथ को निकालने के लिए बच्चा अगर टी बराबर एस वन का यूज करता है तो उसको टी लिखने के लिए कहीं ना कहीं टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है उस एक्सप्रेशन टेंजेंट की इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन होता है बेसिकली ये टी उसी को रिप्रेजेंट करता है तो कहीं ना कहीं टेंजेंट का आइडिया उसके माइंड में होना जरूरी था तभी जाके वो इस इक्वेशन को कंफर्टेबली लिख पाता वो अलग बात है हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि इस सवाल को करने के लिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म का भी यूज कर सकते थे सिर्फ स्टड लाइन का यूज़ करके सवाल को किया जा सकता था लेकिन अगर हम बच्चा अगर इस कंसेप्ट से सवाल को करेगा तो करना उसके लिए रिलेटिवली आसान होगा यानी पोर्शन डिलीट करने के बाद भी हम बच्चों की समस्या बढ़ा रहे हैं समस्या कम नहीं कर रहे आई थिंक जैसा कि मेरा विचार है हो सकता है मेरी विचारों से कोई सहमत नहीं हो लेकिन फिर भी अपने विचार व्यक्त करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है ना और मैं बच्चों के लिए इन सब चीज़ों को सामने लाया हूँ ताकि वो इनको माइंड में रखें और जब जेई मेन टू का जब अटैम्प्ट आएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें कि जो पोर्शन हटाया है उसमें से भी कहीं ना कहीं वो कुछ सवालों को पूछ रहे हैं नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शॉर्टेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक पैरावला और सर्कल के सेंटर के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हमें निकालनी है अगेन हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम कॉमन नॉर्मल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं ना तो ये सवाल करना बड़ा आसान था अगर मैं पैरावला नॉर्मल लिखता और उसको सर्कल के सेंटर से पास करा देता तो फटाफट पैरामीटर टी निकल जाता और पैरा वाला पर पॉइंट आ जाता उसकी मैं सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेता और बड़ी आसानी से सवाल को कर पाता ठीक है वो अलग बात है कोई हो सकता है कोई वीडियो को देखा हो, और वो ये बात कहे कि भाई इस सवाल को करने के लिए कोई नॉर्मल को लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर नॉर्मल लिखेंगे तो कंसेप्ट थोड़ा आसान होगा क्योंकि ये सारा पोर्शन हमारे एडवांस के अंदर भी है उसमें से कोई पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है ना तो वो अगर वो पैरा वाला पर एक पॉइंट ले लें टी स्क्वायर कोमा टू टी और सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लें यानी अगर मैं पैरा वाला पर पॉइंट लूंगा टी स्क्मा टू टी और सर्कल का सेंटर अगर मैं देखूंगा टू कोमा एट तो इनके बीच में डिस्टेंस निकाल ले वो उस डिस्टेंस को मान ले और डिस्टेंस डिस्टेंस को को निकाल के इस मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं वो टी प्लस फोर टी फोर जिसके मिनिमम का भी लगाया जा सकता था लेकिन अगर मैं कॉमन नॉर्मल का लगाता तो वो उस कंसेप्ट को लगाकर भी सवाल को बड़ी आसानी से किया जा सकता था इसमें भी अगर मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना चाहता हूं जो 29 जनवरी की शिफ्ट का है क्वेश्चन नंबर 26 इसको कैलकुलेट करने के लिए भी अगर मैं टी बराबर S1 का कंसेप्ट करता हूं तो ये सवाल करना बड़ा आसान होगा मेरे लिए और इस लिखने के लिए हमें टी की जानकारी आवश्यकता होती है और इसकी जानकारी बच्चे के माइंड में तभी आएगी जब वो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना जानता होगा तभी वो टी बराबर एस वन का यूज बड़ी आसानी से कर पाएगा कम से कम समय में कर पाएगा नेक्स्ट हम आते हैं वेक्टर में वेक्टर में जो 2024 सेशन सेक्शन वन या जो जेई मेन के लिए जो सब तो भी उन्होंने रिमूव किया था उसमें हाईलाइटेड पोर्शन है स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ये अगर वो रिमूव नहीं करते उसके बाद ही सवाल पूछते तो शायद बच्चों की मदद होती है मैं ज़्यादा मानता लेकिन इसको रिमूव करने के बाद अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो अगर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर कंसेप्ट नहीं लगाएगा तो शायद इस सवाल को करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक है अल्टरनेट अप्रोच है हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ किए बिना भी इस सवाल को कर सकते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर मैं सी वैक्टर को एज्यूम करता और सी वैक्टर को एज्यूम करने के बाद मैं इन दो कंडीशन का यूज़ करके अगर सी वैक्टर को पूरा निकालने की कोशिश करता तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता लेकिन अगर बच्चा सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इस सवाल को करने की कोशिश करेगा तो आई थिंक वो कम से कम समय में कर पाएगा तो रिमूव करने के बाद भी हमने इस टॉपिक पर से सवाल पूछा है नेक्स्ट हम आते हैं वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सवाल जो पूछा गया है एक जन एक फरवरी को शिफ्ट वन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर एट था ये सवाल अगेन पूछा गया है ये वैक्टर में से और यहाँ वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम बिना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी सवाल को कर सकते हैं लेकिन अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और अगर वो सिलेबस में से रिमूव नहीं करते फिर इस सवाल को पूछते तो बच्चों के लिए बड़ा आसान होता और वो रिमूव करने के बाद हो सकता है बच्चों ने उस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया हो और उसके बाद भी फिर ये सवाल पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूँ बायमल थोरम बाइेमल थोरम में ये जो रिमोट पोर्शन है इसको ध्यान से देखें प्रॉपर्टीज ऑफ बायल को क्लियरली उन्होंने रिमूव किया है यहाँ से ना यानी वो बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल पूछने में इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये सीरीज का सम लिखा हुआ है और इसमें कहीं न कहीं मुझे अगर मैं जनरल टर्म लिखकर इसका सम निकालने की कोशिश करूंगा तो कहीं नही मुझे बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये बात अलग है कि यह तर्क दिया जा सकता है कि अगर हम एक्सपेंशन लिखें वन प्लस एक्स होल पावर एलेवन को लिखें और उसको जीरो टू वन इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करने के बाद हम कहीं बाइनोमियल कोफिशिएंट की इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर हो सकता है बच्चा इंटीग्रेशन से नहीं सोचे जो एनसीईआरटी में भी नहीं है एन के अंदर भी कहीं ऐसा दिया हुआ नहीं है कि बायनोमल कोफिशन की जो को प्रॉपर्टी दे रखी है वो एन में से रिमूव किया उन्होंने और वो यहाँ से भी रिमूव किया है ना तो आई थिंक मे भी ये मानूंगा कि ये इस रिमोट सब टॉपिक में से ही पूछा गया सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगेन ये जो बायनमल कोफिशन की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है और ये सम निकालने के लिए या इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सीरीज इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट ऑफ बाइनल कोफिशन का भी इस्तेमाल करना पड़ा है जो कि उन्होंने अगेन रिमोट सब टॉपिक में से ही पूछा गया सवाल में मेरी नज़र में ये रिमोट सब टॉपिक से पूछा हुआ सवाल ही आता है ना अगेन यहाँ भी हम इस सवाल के अंदर भी अगर हम देखें तो एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इजिकल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन इस कंसेप्ट का यूज किया गया है ना ये प्रॉपर्टी ये बायमल कोफिशन की प्रॉपर्टी एन सी आर टी में भी मेंशन नहीं है और ये रिमोट सब ट ये सब टॉपिक रिमूव भी किया गया है बायमल के सिलेबस में से तो ये आई थिंक मेरी मेरे हिसाब से ये भी एक रिमोट सब टॉपिक में से ही पूछा गया सवाल है मेट्रिक्स एंड डिटर्मिनट में आते हैं क्लियरली इस पोर्शन को मैंने हाईलाइट कर रखा है प्रॉपर्टीज को उन्होंने रिमूव किया है ना उनको रिमूव कर दिया प्रॉपर्टी और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में हम प्रॉपर्टी जब डिटेनेंट का अगर यूज नहीं करेंगे तो डील दे, करने में काफ़ी दिक्कत आती है अपने को ना एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन भी रिमूव किया गया था और सॉल्विंग इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेट इसको भी रिमूव किया गया था लेकिन अगर इन दो सवालों को देखें तो ठीक है इसको एक्सपेंड डायरेक्ट किया जा सकता है लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद दो जीरो में बड़ी आसानी से थर्ड कॉलम के अंदर क्रिएट कर लेता और इसको एक्सपेंड करना मेरे लिए बड़ा आसान होता तो वो रिमूव नहीं करते और फिर ये सवाल पूछते हैं आप तो ये बच्चों की मदद मानी जाती है मेरे हिसाब से आई थिंक लेकिन फिर भी अगर मान लो बच्चे को प्रॉपर्टी का आइडिया बिल्कुल नहीं होगा तो उसको इस सवाल में टाइम लगेगा और जिसको भी आइडिया होगा वो वही सवाल बड़ी जल्दी कर लेगा नेक्स्ट सवाल भी ऐसा है ये थोड़ा डेंजरस भी दिख रहा है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा एक्सपेंड करके भी, भी मैं सवाल कर सकता हूँ लेकिन अगेन अगर मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करता थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करता सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करता तो मैं जीरो वगैरह क्रिएट कर पाता और फिर एक्सपेंड करके मैं बड़ी आसानी से डायरेटी निकाल सकता था है ना तो ये भी डिटर्मेंट ऑफ प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मेंट पर आधारित सवाल है फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी पर इन्होंने बोनोली ट्रायल्स को और बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव किया है बायनमल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहीं ना कहीं बायनोमल प्रोबेबिलिटी से भी बचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अगर इस सवाल को डिस्कस करें तो इस सवाल को करने के लिए अगर मैं बायनोमल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा तो ये सवाल एक लाइन में किया जा सकता है अगर मैं बायनोमल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करने से बचूँ तो इस सवाल मुझे तीन केसेस बनाने पड़ेंगे कि दोनों टेल या तो फर्स्ट प्लेस पर दोनों टेल आ जाए या टेल आ जाए या टेल आ जाए या हेड आ जाए फिर ऐसा हो जाए या टेल या हेड या टेल आ जाए फिर ऐसा हो सकता है या हेड आए या टेल आए या टेल आए इन तीन केसेस को मुझे लिखना पड़ेगा इन तीनों की पॉलिटी सेम होगी मुझे तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी एक इंडिविजुअल वैल्यू को निकाल के लेकिन अगर मैं बाइनोमियल पॉलर्टी का इस्तेमाल करता तो ये सवाल करना बड़ा आसान होता तो ये ये वो क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने जेई मेन 2024 सेशन वन में जो जो सेशन वन जो हुआ था उसमें से रिमोट सब टॉपिक से पूछे गए सवाल थे वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा होपफुली बच्चों आप इन सवालों को इन बातों को दिमाग में रखेंगे और जब आप जेई मेन सेशन टू में अपीयर होंगे तो इन टॉपिक का एक एलिमेंट्री आइडिया लेकर जाएंगे आप ताकि आपको दिक्कत नहीं आए और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड अपकमिंग जेई मेन टू